अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहां पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। मोहसिन इसका नाम था डाकू का, और रफाकत इसको अंडरवर्ल्ड में कहा जाता था, फाकी जो है ना इसका निकनेम था। ये तीन नामों के साथ जो है ना डाकू पूरे लाहौर, पंजाब और बल्कि पाकिस्तान की पुलिस के लिए जो है ना चैलेंज बना हुआ था। इसका तरीका वारदात जो था ना दूसरे डाकुओं से बड़ा ज्यादा मुख्तलिफ था। ये हमेशा से जो है ना पुराना जेलों में आने जाने वाला था, प्रोफेशनल था, और स्टार्ट में इसके छोटे छोटे मुकदमात थे और 100 के करीब इसके जो मुकदमात है पीछे आप इनकी तफसील को पढ़ सकते हैं। ये जो है ना जेल से जब वापस आता था तो फिर बड़े संगीन मुकदमात के साथ ये बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी रिकवरियां पुलिस को करवाने के बाद जो है ना जुडिशियल होता था, और वहां से लाहौर के पंजाब के मुख्तलिफ थाने इसको रिमांड पे लेके जाते थे और मजीद केस इसके ऊपर जो है ना उनमें इसकी इन्वेस्टिगेट इसको किया जाता था, और वो जब वापस आता था तो 3-4-5 मुकदमे और इसके साथ होते थे। प्रोफेशनल आदमी था। इसका जो है ना तरीका वारदात ये था कि ये दूसरे शहरों को जो है ना गरीब घरों के लड़के जो है, मैं आपको प्रोग्राम से बताता हूँ कि ऐसे बेशुमार नौजवान आपको मिल जाएंगे जो क्राइम की तरफ जो है मोटिवेट हो सकते हैं, ये उनको अपने साथ मिलाकर जो है वारदातें करता था। और जब इसको पता लग जाता था कि अब मैंने इनके साथ करोड़ों या लाखों की वारदातें कर ली हैं तो मेरे लिए नुकसानदेह ना हो जाए, तो ये किसी भी तरीके से जो है ना मेरे जराए ने मुझे ये बताया कि ये उनको कत्ल कर देता था। अब जाहिर है कि ये कत्ल करता था कि उनके जो घर वाले जो थे डेफिनेटली वो जो है ना उनकी एफआईआर अपने किसी मुखालफिन के ऊपर या कोई नामालूम अफराद पे वो कटी होंगी लाहौर में या पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एफआईआर। तो ये बंदे का जो है ना तरीकाकार जो था ना दूसरे डाकुओं और कातलों और उजरती जो होते हैं ना ये जो टारगेट किलर वगैरह होते हैं उनसे मुख्तलिफ था। अब नाज़रीन ये जो बंदा ना शादरे का रिहायशी था, और ये जो है ना मैंने 3 महीने से इसका जो है ना सुना हुआ था कि पुलिस जो है ना हाथ धोकर इसके पीछे पड़ी है। अभी सेटअप सारा चेंज हुआ है, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब जो हैं वो हमारे आईजी पंजाब है, उन्होंने एक मीटिंग की वहाँ पे, उन्होंने डीआईजी सुहेल अहमद सुखेरा साहब, वहाँ पे बिलाल सदीक कमियाना साहब, और जो कैप्टन रिटायर्ड मलिक लियाकत एसएसपी सीआईए जो है जिनके पास होता है का चार्ज है, उनको बुलाकर उन्होंने जो है ना उनको कहा था कि ये आप सब लाहौर के मंचे हुए अफसर हैं और सारी आपकी नौकरी और जॉब जो है लाहौर की है, तो इसमें जो है ना कोई ऐसी इसका जो है ना मुझे कोई लाया अमल जो है वो तैयार करके दें कि लाहौर का क्राइम जो है ना इसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। तमाम अफसर जो है इनका तजर्बा बहुत ज्यादा है, सारी लाहौर की इनकी पोस्टिंग रही है। इन्होंने जो है ना फिर उनको बताया कि जनाब आप हमें जो है ना काम करने दें और हमारे ऊपर थोड़ा सर पे हाथ रखें। आपको पता है कि चीफ होते हैं आईजी, उन्होंने जो है ना इनको बाइख्तियार किया और फिर ये जो है ना सीआईए के 10 जो है अफसर लाहौर के अंदर तैनात किए गए। मैंने उनके नाम तफसील सब चीजें आपको बताई थी, और मैंने इस प्रोग्राम में आपको बताया था कि पुलिस मुकाबले जो है स्टार्ट होने लगे हैं क्योंकि इसके अलावा जो है ना कोई हल नहीं। आप देखें ना सऊदी अरब जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे हर जुमे की नमाज के बाद सर कटते हैं हाथ कटते हैं, वहां पर भी क्राइम हर हफ्ते हो जाता है, तो यहाँ पे तो अभी हालात इस तरह के नहीं है, तो सजाएं सख्त होनी चाहिए मैं इस चीज के हक में। आप देखें नाज़रीन के मैंने इस प्रोग्राम में आपको बताया था कि मुजाहिद जट सिराज जो है ना ये डीएसपी के वो अहदे पे काम कर रहे हैं, और ये सीआईए का जो है ना उनके कैप्टन रिटायर्ड जो मलिक लियाकत था उनके मातहत ये काम कर रहे हैं। इन्होंने जो है ना इस टारगेट को जो है ना या इस जो फाइल को जो इस बंदे का जो रिकॉर्ड था उस सबको उन्होंने अपने हैंड ओवर किया है, और उन्होंने अपने मुखबर और अपनी जो अपने जो उनके मातहत थे उनको मुतहरक किया और उनको कहा कि इसको जमीन की 7वीं तह से भी निकाल लें। वो अलर्ट हो गए। ये जो वाकया हुआ है ना ये वाकया कुछ इस तरह से हुआ है कि सीआईए ने जो है ना दरिया रावी के कच्चे रास्ते के ऊपर ना कहीं पर नाका लगाया हुआ था। अब जुलकर रैन सब इंस्पेक्टर पीछे आप इनकी तस्वीर देख लीजिए, मुजाहिद जट सिराज साहब के मदायद हैं और ये बड़े दबंग हैं। मैंने इनके बारे में सुन रखा था कि ये भी पुलिस मुकाबले करने में माहिर है, यानी कि भी टारगेट को जो है ना मौका नहीं देने वाले। इन्होंने जो है ना नाकाबंदी की हुई थी और डीएसपी साहब खुद मौके पर मौजूद थे, मुजाहिद जट सिराज साहब, तो इन्होंने जो है ना उनको कहा कि ये 4 मशकूक अफराद जो है ना 2 बाइकों पे आ रहे थे इनको चेक करें। जब इनको हाथ दिया गया तो ये जाहिर है क्रिमिनल थे, इनको पता था कि हमारी अगर सीआरओ अगर इन्होंने पुलिस वालों ने हमारा शनाख्ती कार्ड नंबर ले लिया, एनआईसी हमारा जेब से निकल आया तो हमारा सारा डेटा हम अरेस्ट हो जाएंगे। इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, फायरिंग जो है इन्होंने बड़ी शदीद की। पुलिस वाले जो है ना कांस्टेबल और मुलाजमी ने जमीन पर लेट के जो है ना 2 मिनट के लिए उनको आसरा किया, और जो ही वो पुलिस की हदूद से थोड़ा यानी अपनी तरफ से अपने आप को उन्होंने महफूज समझा तो पुलिस ने पीछे से फायरिंग शुरू कर दी और उनको भागने का मौका नहीं दिया। एक लड़का जो था ना मेन जो मोहसिन और रफाकत और फाकी ये मौका पर जो है ना हलाक हो गया। पुलिस वाले आपको पता है कि अपने आप को डिफेंड करने के लिए कहते हैं कि जख्मी हो गया तो ये होगा, हालांकि वो मौका पर ही जो है ना हलाक हो गया था। अब उसके बाद जो है ना अगली मैं आपको तफसील ये बताता हूँ, ये मैंने अपने जराए से मैंने लिया था सारा कुछ, मुझे ये पता होता है कि मुकाबला इन्होंने किस तरह से किया।
उसको मारने के बाद जब इन्होंने उसके जेब से शनाख्ती कार्ड निकाला है ना, शनाख्ती कार्ड को इन्होंने सीआरओ ब्रांच वालों के पास भेजा है, वहां से जो है ना इसका सारा रिकॉर्ड उनको मिलता है। इसका इस बात का सबूत कैसे है कि मैंने पुलिस वालों को यह कहा है कि मैंने मुजाहिद सरासम मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अगर उनके पास इसकी कोई तस्वीर होती तो डेफिनेटली उन्होंने मुझे दे देनी थी, क्योंकि मैं एक मुकाबले की मैं कहीं खबर तो नहीं चला रहा हूँ। मैंने देखा इस मुकाबले को जो है ना सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म है उन्होंने कवरेज दिया, लेकिन ये खबर के रंग में, हालांकि ये खबर नहीं, ये तो स्टोरी है। ये जो आगे चल के मैं आपको हालात इस लड़के को बताने लगा हूँ, ये बड़े भयानक हैं, ताकि आपका जो बेटा है, जो मेरे नौजवान है, उनको एक जो है ना मशले राह, उनको ये प्रोग्राम बन सके कि लोग हमें किस तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं। नाज़रीन, वो जो मुजाहिद सरासम के पास तस्वीर नहीं थी, इसका मतलब ये कि ये बंदा अगर इन्होंने पकड़ा होता तो डेफिनेटली पुलिस वालों के पास तस्वीरें होती हैं। तो ये जो है ना मैंने जो तस्वीर इसकी ली है, ये मैंने जेल के रिकॉर्ड से जो है ना, पीछे आप जेल की दीवार देख सकते हैं, इस दीवार के अंदर आपको ईंटें नजर आ जाएंगी, कोर्ट मौका की तस्वीर है, जेल के अंदर की तस्वीर है। इसका मतलब अगर इसकी तस्वीर पुलिस वालों के पास नहीं थी तो फिर डेफिनेटली पुलिस की कस्टडी में भी नहीं था। तो इस तरह से मैं जो ना पुलिस वालों को मुझे पता लग जाता है ये मुकाबला गलत है या सही है। अब नाज़रीन, जो था ना ये रफाकत, इसका गैंग इतना मुनज़्ज़म था, इसके साथ जो तीन बंदे हैं वो भाग गए हैं, पूरे लाहौर के जो है ना दाखिली और खारजी रास्तों में नाकाबंदी कर दी गई है, और इनकी तस्वीर जो है ना ये आप देख लीजिएगा, एक आध दिन तक इनके खाके छाया होंगे। ये इतना मुतहर्रक गैंग था कि ये जो है ना वहदत रोड के इलाके में इस बंदे ने डकैती के दौरान एक खातून के साथ रेप किया, इसकी FIR तो दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन जब ये पकड़ा गया तो इसने एतराफ़ जुर्म किया था कि मैं जो हूँ ना मैंने ये जुर्म किया, मैंने इसका भी इरतकाब किया हुआ। तो इतना ही बंदा सफाब और जुनूनी टाइप आदमी था, ये जुनूनी था ना कि अपने साथ बंदों को मिलाकर, लड़कों को मिलाकर वारदातें करता था और बाद में उनका शीशा उनको फारिग कर देता था। तो मेरी बात को आप अंडरस्टैंड करें ना, इस तरह के लोग जो होते हैं ना वो आपके बच्चों की कमजोरियों के साथ खेलते हैं, वो आपके बच्चों को जो है ना उनको ख्याली पुलाव पका कर जो है ना वो खिला देते हैं और सबस बाग उनको दिखा देते हैं, बच्चे बहक जाते हैं, उनके घर वाले जो है ना उनकी वो आसाइशें और जरूरियात को पूरा नहीं कर सकते जो शशकल ये बंदा देता था। और बाद में क्या होता था, किसी बहाने से बाहर बुलाता और मार देता था उनको। इस बंदे ने इस तरह के भी 2-4-5-10 कत्ल जो सराय ने मुझे बताया ये किए हुए थे। अब नाज़रीन आप ये देखें, मुजाहिद जट सिराज जो है ना, इनके बारे में आपको बताया था कि इनके पास जो है ना ये बड़े दबंग पुलिस ऑफिसर है। अब दबंग का लफ्ज़ जो है ना पुलिस के ऊपर जो है एक लफ्ज़ के कूजे के अंदर जो है ना समंदर को बंद करने वाली बात होती है, मेरी बात याद रखिएगा। तो इसलिए मैं दबंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, बहादुर आदमी है। और पीछे आप इनकी वीडियोस देखें, मैं दावे के साथ आप लोगों को ना ये बात करने लगा हूँ, और आप अपने सिराय से भी जो है ना कन्फर्म कीजिएगा, जो लोग जानते हैं वो नीचे इस बात की तस्दीक कीजिएगा, फिजिकली तौर पर महकमा पुलिस के अंदर जो है ना इतना फिट कोई पुलिस ऑफिसर शायद ना हो। आप यकीन करें कि मैंने इनकी वीडियोस देखी हैं, और मैं मेरे दोस्त भी सारे इनके जानने वाले हैं, और बड़ा अच्छा मेरा इनके साथ रिलेशन है, मैंने आपको बताया कि बड़े बहादुर है। और आप ये देखें कि जब से ये महकमा पुलिस में है ना ऐसे ही आए थे, और ये मुस्तनीद मुजाहिद साहब और साथ इनके सुहेल भाई होते थे, और अख्तर पहलवान जो थे ना DSP, वो पहले रेस कोर्स के अंदर SH होते, तो ये सारी इनकी टीम थी। शुरू से ही जो है ना क्राइम के बारे में इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इनकी इंफॉर्मेशन लाहौर में बहुत ज़्यादा, खास करके अंडरवर्ल्ड में, या क्रिमिनल्स लोग जो डाके वगैरह या इस तरह के जो लोग हैं उन तक इनकी रसाई बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि इस फील्ड से रिलेटेड बैरून मुल्क जो हेडमनियों वाले लोग हैं वो भी जो है ना मुजाहिद जाट साहब उनको बाई नेम और बाई फेस जानते हैं, ये सबसे बड़ा इनका एज है। और ना दें दूसरी बात ये, जो बंदा फिजिकली तौर पर फिट होता है ना, उस पुलिस ऑफिसर के लिए जो है ना पुलिस मुकाबला जो है एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है। मेरी बात आपने याद रखनी है, जो पुलिस वाला बेचारा जिसकी तोंद इतनी ज्यादा निकली है, जिसकी जो सर के बाल आधे खत्म हो चुके हुए हैं, उसको जो है नजर की उसने ऐनक लगा ली है, और वो 10 कदम भी जो है चलता तो उसको सांस चढ़ जाता है, वो क्राइम को क्या कंट्रोल करेगा। ये क्राइम जो है ना इसको कंट्रोल करने के लिए एक हेल्दी जो है ना माइंड चाहिए, एक आपकी बॉडी के अंदर जो है ना आम आदमी से ज्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जो कि इनके अंदर है। खैर नाज़रीन, आप ये देखें कि कैप्टन लियाकत साहब ने जब से ये CIA के अफसरान को बाख्तियार किया, तो आप ये देखें कितनी तेजी से जो है ना एक सहम इन जरायम पेशा अफराद के जो है ना दिलों के अंदर जो है ना पुलिस का बैठ गया, और यही वजह होती है कि जरायम की रेशियो जो है ना नीचे आनी शुरू हो जाती है। लाहौर का क्राइम जो है ना पहले जितना बढ़ रहा था ना, अभी इनकी पॉलिसीज जो इन्होंने चेंज किया ना, क्राइम का ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया। थानों के अंदर आप रिकॉर्ड चेक कर लें, डकैती के मुकदमा कम दर्ज हो रहे हैं, हालांकि जो हालात जा रहे हैं मैं तो कहता हूँ कि पता नहीं किस तरह से ये निज़ाम कंट्रोल हो गया, लोगों के दिल में क्या डर बैठ गए कि कहीं हमारे बच्चे या हम पुलिस मुकाबलों में ना मर जाएं, वगरना जो हालात जा रहे हैं मैं नहीं मानता हूँ कि जरायम को कोई कंट्रोल कर सकता था। अब नाज़रीन, ज़ुल्कर नाइन जो सब इंस्पेक्टर है ना, ये बड़े अच्छे इंसान हैं,
मैंने जब पुलिस मुकाबले की तफसीलात के बारे में अपने ज़राए को इस्तेमाल किया तो इनसे भी मुझे रब्ता करना पड़ गया। मैंने इनसे पूछा तो मुझे ये कहते हैं चोई साहब तुम हाजिर आगे जरा गल सुना देंगे जी और पुलिस वाले ने इंज करता लेकिन बात सुने भैया जहां पे पुलिस की गलती होगी मैं उसको हाईलाइट करूंगा। मैंने इनको भी ये बात कही है, मैंने कहा जहां पर पुलिस वाले जो है ना ये कोई गलती करेंगे कोई अपनी नेग्लिजेंसी शो करेंगे बद्दयानती का मुजाहरा करेंगे तो मैं उस चीज को जो है ना अल्लाह के हुक्म से मैं उसको बड़े दबंग तरीके से जो है ना आपके सामने रखूंगा, ये मेरा फर्ज बनता है। लेकिन बगैर हकायक के ये तोता उड़ गया इसको पकड़ ले वो ये मैं नहीं कर सकता, मेरी फितरत के अंदर जो है ना ये चीज शामिल नहीं है। तो लिहाजा नाजरी मैं जितने भी ये अफसरान हैं मैं इन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। लाहौर के अंदर रोज पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, आज भी मेरे सुनने में आया जब ये प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ दो जो है ना इनकाउंटर आज हुए हैं तो वो उनकी मैं देखूंगा क्या तफसीलात है, अगर वो भी कोई हैवी क्रिमिनल हुए तो उनके ऊपर मैं प्रोग्राम करूंगा। मैं कतई तौर पर जो है ना पुलिस वालों को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, वो तो अल्लाह ताला ने जिसको इज्जत दी है मैं कौन उनको इज्जत ना देने वाला। और दूसरी बात यह है कि अगर नक्शे अमन के रास्ते में आने वाली वो रुकावट को उखाड़ कर फेंक देते हैं ना तो यार हमको उन्हें चाहिए कि हम उनको खराज तहसीन भी पेश करें, हम कुछ नहीं ना कर सकते। तो अपनी पुलिस को जो है ना एक दफा इनको हम कह के देखेंगे यार आपने बहुत अच्छा काम किया है फिर इसके बेहतर नतीजे जो है ना मुरतब होंगे। मेरा प्रोग्राम देखकर अगर आप किसी भी किस्म की बात को मेरे साथ शेयर करना चाहें या इन इनकाउंटर से जो मैं प्रोग्राम्स करता हूं उनके ऊपर आप तनकीद करनी चाहें बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में, मैं हमेशा की तरह जो है ना आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी, पाकिस्तान जिंदाबाद।